रंजीत हत्याकांड के फरार अंतिम आरोपी को भी छावनी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से बचने आरोपी द्वारा लगातार स्थान परिवर्तन किया जा रहा था। छावनी थाना क्षेत्र में घटित रंजीत हत्याकांड के अंतिम फरार आरोपी को छावनी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम निखिल एंजल उर्फ चीकू बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हत्या के मास्टरमाइंड लोकेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद की जा सकी है। छावनी सीएसपी कौशलेन देव पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा निखिल को कैंप क्षेत्र में घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार अग्रिम कार्रवाई छावनी थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। निखिल की गिरफ्तारी को लेकर छावनी सीएसपी कौशलेन देव पटेल ने जानकारी दी। ये मामला जो रंजीत सिंह हत्याकांड का है, जो 19 तारीख को रात्रि को हुई थी, इसमें लगभग सीसीटीवी फुटेज हमारे जो देखा गया था उसमें 8 आरोपियों का शिनाख्त की गई थी, जिसमें से 6 आरोपी की गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व हो गई थी और 7वें आरोपी लोकेश पांडे की गिरफ्तारी परसों हुई थी। और आज जो एक अंतिम आरोपी था निखिल एंजल उर्फ चीकू, जिसकी कैंप 1 में अभी हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है। अपने को सूचना मिली थी कि निखिल कहीं अपने घर परिवार से दूर थोड़ा सा हाइड करके अपने आप को रखा हुआ है, तो हमारे द्वारा मुखबिर लगाई गई थी। कुछ परिवार वालों के सदस्यों से भी संपर्क किया गया था और तत्काल जैसे अपने को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे द्वारा रेड करते हुए उसको गिरफ्तारी की गई। गौरतलब है कि रंजीत हत्याकांड के बाद से एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एएसपी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में छावनी सीएसपी कौशलेन देव पटेल द्वारा पुलिस टीम के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था। अब इस हत्याकांड के सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।